Badla बहुत ही mysterious, funny तो नहीं बोल सकते, but one-liners बहुत ही अच्छे थे. इस फिल्म में उन्होंने बहुत सारे puns मारे हैं और एक ऐसी छोटी छोटी बातें रखी है जो सुन के आपको लगता है कि ओ माय गॉड ये कितना अच्छा से क्रिएट किया गया है. मैं सुजॉय घोष सर की मतलब बहुत फॉलो करती हूँ फिल्म्स, तो आप कहानी देखेंगे तो ये पैटर्न फॉलो करते हैं. और एक यस आई एम अ बिग फैन. मैं अभी मतलब कैप्टन मार्वल रिलीज़ हुई है लेकिन मैं उनको छोड़ के मिस्टर बच्चन की फिल्म देखने गई हूँ बिकॉज आई कैन नॉट मिस हिज फिल्म एट ऑल. और एक पॉइंट है वो महाभारत की बहुत बात करते हैं जिसमें उनकी एक्टिंग बहुत डिफरेंट लगती है. तापसी पन्नू बहुत रियलिस्टिक एक्ट कर रही है. मैं उनको देखने के लिए आई जस्ट विमेंस डे है इसलिए क्योंकि उन्होंने पिंक में बहुत अच्छा रोल किया था और उनकी फिल्म हमेशा अलग रहती है. इस फिल्म में उनका जो रोल है ग्रे कैरेक्टर है, बहुत ही वियर्ड है लेकिन आई थिंक एवरीबडी विल लव. केमिस्ट्री या इट्स अ गुड केमिस्ट्री. इट्स लाइक अ क्विज बिटवीन देम. और उनका एक बहुत अच्छा सीक्वेंस है जहाँ पर उनकी डायलॉग का एक्सचेंज होता है, बहुत अच्छा है, एकदम गूज बम्स आ जाता है आपको सुन के. ऐसा अच्छा सीन है, पूरे थिएटर ताली मार रहा था आई गेस. 4.5 एकदम अच्छी. परफॉर्मेंस तो अच्छा, मगर सस्पेंस थ्रिलर है. और मैं किसी को भी बोलूंगा नहीं, तुम खुद जाके पैसा जाके देखो. उन्होंने पैसा डाला है डायरेक्टर ने इधर से, तुम जाके देखो. वाह दोनों का भी एकदम लाजवाब. लास्ट तक बांध के आगे क्या होएगा आदमी क्या. मैं तो मोबाइल साइलेंट किधर भी देंगे, पिक्चर पे ही देंगे. है ठीक है, बाकी लोग का ठीक है. मूवी में एक भी गाना नहीं है, फिर भी जो बैकग्राउंड साउंड है, टाइमिंग शॉट बोलते जो परफेक्ट, जो परफेक्ट. और ऐसी भी चलो अपने इसमें आना चाहिए. बच्चन और मूवी पुराना रिश्ता है, लास्ट में ताली ना बजे तो वो बच्चन नहीं. तापसी पन्नू इज ग्रेट. उनकी और बच्चन की जोड़ी आगे भी ऐसी मूवी देती रहेगी और हमें एंटरटेन करती रहेगी. एंड तक पकड़ रही, गैसिंग आते थे लेकिन पकड़ नहीं सकते. आगे ये है आउट ऑफ फाइव. अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी. खास ये कि अमिताभ बच्चन है, सबसे बड़ी बात है वही, उन पर ही पूरी मूवी है और उनका लॉयर का रोल है. तो जो हम मेरी एज के लोग तो उनके फैन ही हैं सब, तो खास करके हम लोग उनको देखने के लिए आए थे और बहुत अच्छी लगी उनकी, जो उनकी और तापसी पन्नू की दोनों की एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी लगी. दोनों की बातचीत, दोनों के डायलॉग बाजी, एक दूसरे को जो क्रॉस कर रहे थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग था. बहुत अमृता सिंह इस फिल्म से वापस आई हैं, बहुत अच्छा किया. उनका रोल भी काफ़ी अच्छा लगा, धमाकेदार है. जैसा हम लोग ने मॉम मूवी देखा था ना श्रीदेवी का, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे बनी हुई मूवी है. और उसमें कैसा है, मॉम मूवी में अपनी बेटी का बदला लेती है मॉम, इसमें अपने बेटे का मर्डर का बदला लेती है. कॉन्सेप्ट वही है, मर्डर आपको लास्ट तक पता नहीं चलता है कि कौन है, एकदम लास्ट में रिवील होता है. बोरिंग तो नहीं है, एकदम बहुत अच्छी मूवी है. आपका स्क्रीन प्ले इतना टाइट है आपको बिल्कुल बोरिंग नहीं होता, एक मिनट भी आप मिस करने का नहीं कोशिश करते हो. जैसा हमने पिंक मूवी में देखा था वैसा ही है, उनका तालमेल बहुत अच्छा है. लेकिन वो कॉन्सेप्ट अलग था, ये कॉन्सेप्ट अलग है लेकिन बहुत अच्छा दिखता है. दर्शक जाएं क्योंकि इस तरीके का स्टोरी अभी तक बॉलीवुड में नहीं देखने को मिला है और बोर नहीं करती है मूवी. आपका जो भी 2 घंटे का मूवी है एकदम अच्छे से चला जाता है, तो इसके लिए जाएं. 3.5 रियली गुड, द सस्पेंस वाज वेरी गुड. बोथ देयर परफॉर्मेंसेस, तापसी अमिताभ बोथ वर वेरी गुड एंड द सस्पेंस वाज लाइक इट वाज अ सस्पेंस टिल द एंड. नो कांट से एनीथिंग, या इट वाज रियली वेल मेड लाइक द, बिकॉज इतना कुछ था नहीं बट स्टिल इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. एवरीवन वाज यू नो on their edge. Yeah, it was like made in a very easy way but like everyone was very much on the edge of their seat, so it was good. 4. Naam kya hai aapka? Naam Shubham Tiwari mera. Kaun si picture dekhi? Badla dekhi abhi maine. Kaisi lagi aapko? Ab Badla bahut hi behtareen hai, bahut hi romantic film hai aur I am sure sabhi ko dekhni chahiye Badla.
और मतलब मुझे अमिताभ बच्चन जी का काम इतना पसंद आया, मतलब ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ये फिल्में जो आ रही थी, मुझे लगा अमित जी क्या कर रहे हैं, मतलब एक तो उनका जो दौर है वो फिर से आए, वो बदला मुझे लगा कि अमित जी ने कमाल कर दिया। और जो कहानी है ना, वो कहानी बहुत है, मतलब परत दर परत, एक परत खुला फिर दूसरा परत फिर तीसरा, और जो आप देख रहे हैं उसका उल्टा फिर उल्टा का उल्टा, ठीक है। और महाभारत से जो लाइंस ली उन्होंने, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन लाइंस उन्होंने महाभारत से निकाली, महाभारत को उस कहानी से जोड़ा है। तो कुल मिला के फिल्म जो है ना ओवर द टॉप है। अगर फॉरेन का लोकेशन ना हो ना तो फिल्म बहुत सस्ते में, एक कमरे में फिल्म है और एक विजुअल्स दिखा रहे हैं, बहुत सस्ते में और बहुत ही बेहतरीन फिल्म है ये। मुझे लगता है कि मुझे ये सबसे अच्छी लगी इस समय की अभी तक की फिल्म। गाने हैं कि नहीं? गाने हैं ही नहीं भाई, लास्ट में कास्टिंग क्रू में आपको जब चल रहा होगा तो आपको गाने मिलेंगे, वो मैं सुना नहीं, मैं बाहर चलाया। स्टोरी कैसी है इसकी? बहुत, अरे जब परत परत नई स्टोरी है, अच्छी है, मतलब सस्पेंस बहुत है, बहुत ही बेहतरीन है। सुजय घोष का डायरेक्शन है। हम पांच अंक में से कितना देंगे आप? 5 में से मैं 4 दूंगा, एक इसलिए दूंगा कि हमेशा आप ऊपर बढ़ते रहिए, इसलिए एक कम है, लेकिन उसमें एक कम करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी 4 है कि आप और आगे बढ़िए, बहुत ही बेहतरीन। फुल ऑफ सस्पेंस, वेरी थ्रिलिंग एंड वेरी एंगेजिंग, वेरी एंग्रोसिंग, बहुत ही ग्रिपिंग मूवी है। और अमिताभ बच्चन का और तापसी पन्नू दोनों की परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छी हैं, सो ओवरऑल बहुत अच्छी मूवी है। क्यों देखें फिर भी सस्पेंस की वजह से, क्योंकि बहुत टाइम से कोई सस्पेंस थ्रिलर आई नहीं थी, तो ये मूवी में यू नो काफ़ी अच्छी स्क्रिप्ट है और एंड तक आप अनरेवल नहीं कर पाएंगे क्या मिस्ट्री है ये मूवी की, तो ओवरऑल देख के बहुत मज़ा आएगा। एनी वीक पॉइंट ऑफ द फिल्म? नहीं, थोड़ी सी बीच में स्लो पेस्ट हो जाती है, बट इन्जॉयबल है। बहुत सबसे बड़ी बात है कि ये सिर्फ 2 घंटे की मूवी है, कहीं भी इसको ये नहीं किया, ड्रैग नहीं किया, और थोड़ी स्लो पेस्ड है लेकिन एंगेजिंग है काफ़ी। आई लाइक टू गिव 4 स्टार्स। फिल्म तो मर्डर मिस्ट्री है, वो तो सबको पता ही है, इट्स अ ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी बनी हुई है। हाँ, दोनों वेरी गुड। पर ऐसी पिक्चर नहीं बनी होगी, मर्डर मिस्ट्री होती है लेकिन आप स्टोरी ऐसे घूमती जाती है कि आपको पता ही नहीं चलता क्या होने वाला है। अरे ये कैसे होगा, इतनी वेल मेड स्टोरी इसकी, पिक्चर इतनी जो स्टोरी को बहुत मेंटेन करके रखा, अच्छी पिक्चर बांधे रखा, सही बात है ये। ब्यूटीफुल एवरीथिंग पिक्चर, वेरी क्लीन, वेरी गुड मूवी एक्चुअली। करेगी सब करेगी, एवरीबडी इज वॉच एंड वॉच। 7 stars. Very nice movie. Unexpected. I mean, Mr. Bachchan was so incredibly, obviously, a very good person, and Tapsee is superb. This movie is like, for me, is I'm still in, like in that zone right now. I mean, I can't believe that this movie is like so good. And 9 o'clock, the theater is full. I really enjoyed the movie. Thank you. Yes. Of course. Very nice. Very nice. 5. Thank you. Great. Everything was great. Great screenplay, great direction, great acting, each and everything. Kya design kiya movie ko? Fantastic. Awesome. Always. Direction. Awesome direction. Direction. The screenplay was very good. Aur सबसे अच्छी बात यह है कि ये इंडिया में शूट ना होकर बाहर शूट हुई, तो एक फील दोनों कंट्रीज का एक बेस्ट था। 3.5। बदला तो बहुत अच्छा है, मतलब एक एक सीन देखने लायक है, जो सस्पेंस है ना, कभी लग रहा है ये गलत है, कभी लग रहा है वो गलत है, मतलब देखने लायक है, सबको देखना चाहिए फिल्म। जबरदस्त एक्टिंग है, हम सभी जानते हो बहुत बड़े एक्टर है, तो बहुत ही अच्छा फिल्म। तापसी पन्नू भी अच्छा है, मतलब सबका एक्टिंग उसमें ज़बरदस्त है, जैसे मतलब सस्पेंस है, बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस है, मैं जैसे कह रहा हूँ, कभी लग रहा है ये गलत है, कभी लग रहा है वो गलत है, तो आई थिंक सबको देखना चाहिए फिल्म, बहुत ही अच्छा है। 5 में 5 दूंगा मैं।